नमस्कार दोस्तों, डायडॉग पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में, यानी कि शराब से लिवर पर होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या जांचें एडवाइस करी जाती है, क्या अल्कोहलिक लिवर डिजीज का इलाज होता है और क्या रिकमेंडेड अल्कोहल इंटेक रहती है। और यह जानकारी हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी तंवर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर सीपी तंवर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी तंवर, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक वैसे तो उन सभी लोगों के लिए है जो शराब का सेवन करते हैं, लेकिन आजकल की जीवन शैली को देखते हुए इस जमाने की जनरेशन को यह खास सुनने की जरूरत है। शराब का सेवन आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है, जबकि अधिक शराब के केवल नुकसान ही नुकसान है। ऐसा ही नुकसान है जो ना केवल आपके लीवर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके लीवर को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से इसका ठीक हो पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लीवर से जुड़े हुए कई ऐसे रोग हैं जो शराब के अधिक सेवन से होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और तीसरा है लीवर सिरोसिस। लीवर से जुड़े हुए यह तीनों रोग आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज शराब के बहुत ज्यादा सेवन से होता है। लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि यह डाइजेशन, मेटाबोलिज्म, विटामिन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन इत्यादि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम यह करता है। इसीलिए इसे बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर आप अल्कोहल लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता से ज़्यादा पीते हैं तो यह लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीवर से होने वाली पहली बीमारी, जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। फैटी लीवर में फैट यानी वसा की मात्रा अधिक होने लगती है। जब हम दिन भर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं तो फैट का लीवर में नॉर्मल तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और लीवर में फैट बढ़ने लगती है। वैसे तो फैटी लीवर एसिम्प्टोमैटिक है, यानी इसकी वजह से कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और यदि मरीज किसी अन्य कारणों की वजह से सोनोग्राफी कराता है तब उसे इस बीमारी के बारे में पता चलता है। इसलिए जब भी आपको इसके बारे में पता चले तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इस बीमारी का तुरंत इलाज कराएं। तो अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में फैटी लीवर होने की संभावना अधिक रहती है। वे लोग जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज है, या ऐसे व्यक्ति जो मोटापे से ग्रसित हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक रहती है, जिनको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या कोई भी तरह का क्रॉनिक हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है। अब अगर लीवर सिरोसिस की बात करें तो यह उन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है जो लंबे समय से अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते आ रहे हैं। लीवर सिरोसिस में लीवर सिकुड़ जाता है और मरीज को कई गंभीर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेट में पानी, खून की उल्टी होना, दिमाग में सूजन आने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। और लीवर सिरोसिस में लीवर को जो डैमेज हुआ है वह ज़्यादातर केसेस में रिवर्सिबल नहीं होता है, पर अगर मरीज सही समय पर सही इलाज ले तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और अब हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस यह नाम से ही बता देता है कि यह शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से होता है। इससे लीवर में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा उन लोगों में देखा जाता है जो लंबे समय से अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। हालांकि शराब के सेवन और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बीच में रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। शराब का हद से ज़्यादा सेवन करने वाले लोगों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो ही हो। यह बीमारी उन लोगों में भी हो सकती है जो कम मात्रा में भी शराब का सेवन करते हैं। यदि आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ है तो आप तुरंत अल्कोहल का सेवन बंद कर दें। जो लोग इस समस्या के बावजूद भी अल्कोहल का सेवन लगातार करते रहते हैं उनमें लीवर के फेलियर और मृत्यु होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। अन्य फैक्टर्स जो इस कंडीशन को बढ़ावा देते हैं उनमें हैं
जेनेटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि बॉडी अल्कोहल को आपके शरीर में किस तरह से प्रोसेस करती है, और मोटापा शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से भी यह समस्या बढ़ सकती है। यदि जेंडर की बात करें तो फीमेल में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। आइए अब कुछ अल्कोहल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि अल्कोहल की कितनी लिमिट सेफ होती है, मतलब कितनी मात्रा में एक व्यक्ति दिन में अल्कोहल ले सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेडिकल भाषा के अंदर अल्कोहल की मात्रा यूनिट्स में मापी जाती है। एक यूनिट में 10 ml अल्कोहल या 8 ग्राम शुद्ध अल्कोहल होता है। एक व्यक्ति को दिन में 2 यूनिट्स या एक हफ्ते के अंदर 14 यूनिट से ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेज में अलग अलग तरह से अल्कोहल की स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि बियर में 4-8% तक अल्कोहल, ऐसे ही हार्ड ड्रिंक जैसे कि रम या विस्की में 40% तक अल्कोहल और रेड वाइन के अंदर लगभग 14% अल्कोहल की मात्रा होती है। तो हम सभी को इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लक्षणों में त्वचा या आंखों के सफ़ेद भाग का पीला होना, जिसे हम सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, वजन का कम होना, मुंह का बार बार सूखना, बार बार प्यास लगना, भूख में कमी आना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, पेट में सूजन या दर्द रहना, हल्का बुखार होना, थकान या कमजोरी जैसा महसूस होना इत्यादि लक्षण होते हैं। सीवियर स्टेजेस में मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे बेहोशी आना, किडनी और लीवर के फेलियर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पेट की सोनोग्राफी इत्यादि जांचें भी कराई जा सकती है। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से बचाव के उपायों के बारे में। सबसे पहले तो शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अन्य कारण जैसे कि कई लोगों में साथ ही साथ हेपेटाइटिस सी जैसे वायरस का इन्फेक्शन भी चल रहा होता है, तो उसका सही समय पर इलाज अच्छे तरीके से कराना चाहिए। कोई भी तरह की दवाई का सेवन चिकित्सकीय सलाह में ही करें। रोज एक्सरसाइज करें। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बचाव में पौष्टिक आहार का एक महत्वपूर्ण रोल है। आपको हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डायग्नोज होता है तो आपका चिकित्सक सर्वप्रथम उसकी स्टेजिंग करता है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, पहली माइल्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी सीवियर। पहले हम बात करेंगे माइल्ड और मॉडरेट केसेस के बारे में। तीनों ही केसेस के अंदर शराब का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। माइल्ड और मॉडरेट केसेस यूजुअली डाइट से ठीक हो जाते हैं। आप अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकते हैं और उसे फॉलो करना चाहिए। सीवियर केसेस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसे कंडीशंस में स्टेरॉइड्स नामक दवाओं का यूज भी होता है। यदि आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है और आपको शराब छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो अपने चिकित्सक से इसके रिगार्डिंग गाइडेंस लें। आपके चिकित्सक आपको शराब छोड़ने के लिए गाइड करेंगे। बहुत ही सीवियर केसेस के अंदर लीवर ट्रांसप्लांटेशन तक की भी जरूरत पड़ सकती है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह भी एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पेट, आंत एवं लीवर रोग से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डॉक्टर सीपी तंवर से जाना अल्कोहल से हमारे लीवर को क्या नुकसान हो सकते हैं। बाकी अन्य बीमारियों के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।